दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चेहरे पर स्क्रब मसाज करने का एक बेहतरीन तरीका। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा निखार आता है चेहरे पर, बहुत अच्छा चेहरा ग्लो करता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक का जरूर देखिएगा। तो चेहरे पर कुछ भी क्रीम मटेरियल लगाने से पहले आप चेहरे को धो लीजिए, इस तरीके से पानी मारकर के साफ कर लीजिए। चेहरे पर जो भी धूल गर्द मिट्टी लगा हो साफ हो जाए। इस तरीके से आप चेहरे को पानी मार कर साफ कर लीजिए। उसके बाद में दोबारा से पानी मार देना है पूरे चेहरे पे। यह दोस्तों स्ट्रॉबेरी पपाया फेस वॉश। इस तरीके से हाथ पे निकाल करके हम पूरे चेहरे पे लगा देंगे। उसके ऊपर से डाल लीजिए थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल डाल करके मसाज करना है आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक का। इस तरीके से आप मसाज करिए पूरे चेहरे पर, माथे से लेके गले तक का बढ़िया से। यह दोस्तों ऑरेंज जेल स्क्रब। तो फेस वॉश के ऊपर से हम ला देंगे ऑरेंज जेल स्क्रब। इसको लगाने के बाद में आपको इस तरह से 5 मिनट तक का मसाज करना है। कम से कम आप 5 मिनट तक इस तरीके से पूरे चेहरे पर मसाज करें। ये दोस्तों लोटस अप्रिकोट स्क्रब। इसी के ऊपर हम इसको मिला लगा देंगे चेहरे पर। स्क्रब लगा करके 5 मिनट तक का फिर से हमें दोबारा मसाज करना है। आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल डाल करके स्क्रब मसाज करें। गुलाब जल नहीं है तो आप पानी से मसाज कर सकते हैं। जैसे क्रीम सूख जाता है चेहरे पर तो आप पानी मार लीजिए, पानी मार करके आप मसाज करें। आपके पास मसाजर मशीन है तो आप मसाजर मशीन चला सकते हैं इस पर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक का मसाज करना है। 15 मिनट मसाज करने के बाद में आपको एक अच्छा ग्लो मिलेगा चेहरे पर, अच्छा निखार मिलेगा। अभी हम धो करके आपको दिखाते हैं कि इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार रहा है, चेहरा कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। इस तरह से हम साफ कर दे रहे हैं इनके चेहरे को। अभी हम दिखाते हैं आपको इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप स्क्रब मसाज करते हैं तो बहुत अच्छा चेहरे पर निखार आता है। देखिए इनके चेहरे के निखार देखिए। प्लीज़ वीडियो को हमें लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं, हमारी वीडियो को देखते रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें।